Good morning, students. My name is Manjisri Dongra from Harvard Combat School. This is a lecture for 6th class. Today, we will discuss the history lesson Different Ways of Life. So, first point of this lesson is Vedas. There are four types of Vedas. Number first is Rig Veda, second, Shambh Veda, number third, Yajurveda. और नंबर फोर्थ जो है वो अथर्व वेद है तो सबसे पहले जो है वो ऋग्वेद है अब ऋग्वेद वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है और ये जो अथर्व वेद है इसको नवीन वेद जो है वो माना जाता है तो ऋग्वेद जो है इसमें क्या है कि मंत्र जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो दिए गए हैं इसमें क्या है कि दस मंडल दिए हुए हैं दस सौ अट्ठाईस श्लोक दिए हुए हैं और दस हज़ार चार सौ बासठ मंत्र जो हैं वो इसमें जो है वो दिए हुए हैं अब ऋग्वेद का जो पहला और दसवा मंडल है इसमें मंडल जो हैं वो कितने हैं एक से लेकर दस तक हैं तो पहला और जो दसवा मंडल है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो है ये मंडल जो है ये सबसे प्राचीन जो है वो माने जाते हैं अब नौवा मंडल जो है ऋग्वेद में जो नौवा मंडल दिया गया है उसमें सोम जो है उसकी चर्चा की गई है गायत्री मंत्र जो है उसके बारे में जो तीसरा मंडल है उसमें बात जो है वो की गई है दूसरे से लेकर सातवें मंडल जो है दूसरे से लेकर दो से लेकर जो सात मंडल हैं इन मंडलों को जो है वो वंश मंडल के नाम से जाना जाता है ये जो है ये प्राचीन मंडल है और इसी कारण इनको जो है वो मंडल जो है के नाम से जो है वो जाना जाता है ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है जो सबसे मेन नदी है वो सरस सरस्वती नदी जो है उसका जिक्र जो है वो इसमें किया गया है अब सेकंड जो है वो आ जाता है शामबेद अब शामबेर जो है इसको संगीत का जनक जो है माना जाता है मतलब इसमें ऐसा है कि संगीत से रिलेटेड अलग प्रकार के छंद वगैरह श्लोक वगैरह जो है वो दिए गए हैं संगीत जो है उसकी बनावट जो है वो कैसे होनी चाहिए उसके बारे में शाम वेद जो है इसमें बताया गया है इसके बाद है नंबर थर्ड यजुर्वेद अब यजुर्वेद जो है इसमें गंगा और यमुना नदी जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है इन नदियों के बारे में जो है वो जो मेन नदियां हैं उनके बारे में यजुर्वेद जो है इसमें बताया गया है अब यजुर्वेद जो है इसको दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा जो है वो शुक्ल यजुर्वेद है अब यजुर्वेद जो है यही एक ऐसा वेद है जिसमें तीन प्रकार के यज्ञ जो हैं अनुष्ठान वगैरह जो हैं उनके बारे में जो है वो बताया गया है और ये अनुष्ठान कौन कौन से हैं एक तो राजसूय है वाजपेय है और अश्वमेघ यज्ञ है इनके बारे में चर्चा जो है वो यजुर्वेद में की गई है इसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर फोर्थ ये है वेद अथर्व अब अथर्ववेद जो है इसकी रचना जो है इसको जो लिखने वाला था वो अथर्वा ऋषि था अब अथर्ववेद जो है इसमें जैसे कि जंतर मंत्र वगैरह हो गए जादू टूने वगैरह हो गए या फिर रोग निवारण की औषधियों के बारे में जो है वो चर्चा की गई है अलग प्रकार की जो आयुर्वेदिक मेडिसन्स वगैरह हैं उनके बारे में जो है वो अथर्व वेद में बताया गया है इसके बाद जो है वो उपनिषद हैं तो उपनिषद जो है इसकी जो टोटल संख्या है जो उसके टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं एक सौ आठ मतलब एक सौ आठ उपनिषद जो हैं उनको लिखा गया है तो उपनिषद जो है इनको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है और हमारा जो सत्यमेव जयते है जो भारत का वाक्य सूत्र है वो भी उपनिषदों से ही लिया गया है आई होप ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा ये पता लग गया होगा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सो थैंक यू वेरी मच